जो कि 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, आपको बताते चले कि इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिला सांबा से क्राइम को लेकर। आपको बताते चले कि जिला पुलिस सांबा ने एक बार फिर से पशु तस्करी का एक बड़ा प्रयास विफल करते हुए बेजुबान पशुओं को तस्करों के चंगुल से बचाया और उसी के साथ दो पशु तस्कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। ये बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है जिला पुलिस सांबा के हवाले से। एक बड़ी कामयाबी एक बार फिर से सांबा पुलिस को हासिल हुई है। मैं आपको बता दूं, ये जो पशु तस्करी का प्रयास विफल किया गया है सांबा पुलिस की तरफ से, ये विजयपुर के तारापुर इलाके में विफल किया गया है। यहां पर पुलिस को जो अपने रायबल सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक महिंद्रा लोड कैरियर पिकअप गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, जिस गाड़ी का नंबर है JK21B6947। और जब इस गाड़ी की जांच की गई तो जांच के दौरान इसमें से बेजुबान पशु पाए गए, जिन्हें काफी क्रुएल्टी से बांधा हुआ था और उनको इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। और पुलिस को जो सूचना मिली वो पुख्ता मिली और उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बेजुबान पशुओं को बचाकर सेफर जगह पर पहुंचा दिया। उसी के साथ साथ तस्कर जो है ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए, दो पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उसी के साथ साथ जो ये गाड़ी इस्तेमाल में लाई जा रही थी तस्करी के लिए, इस गाड़ी को भी पुलिस ने सीज कर लिया है। ये बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है। और पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है, जो तस्कर पकड़े गए हैं ये रामगढ़ तहसील से ताल्लुक रखते हैं और अब ये सलाखों के पीछे हैं, जिसमें आपको बता दें कि पुलिस ने जो सेक्शंस लगाई हैं अंडर सेक्शन 223 BNS यानी भारतीय न्यायिक संहिता के आधार पर ये जो एक्ट है ये लगाया गया है, 11 PCA एक्ट के तहत ये जो मामला है ये दर्ज किया गया है। और इन दोनों तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूं कहे तो ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है इन तमाम तस्करों के ऊपर, जो लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि जिला सांबा से क्राइम को खत्म किया जाए, क्रिमिनल्स की धरपकड़ की जाए। तस्कर वो चाहे पशु तस्कर हो या फिर नशा तस्कर हो या फिर अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देने वाले शरारती तत्व हों, उन्हें लगातार अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत बुक किया जा रहा है। मोटिव जिला पुलिस सांबा का एक ही है कि जिला सांबा से क्राइम को खत्म करना है। और जिस तरह से तस्करों के ऊपर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पुलिस ने पिछले एक लंबे अरसे से लगातार की है, तो धीरे धीरे जो तस्करी के प्रयास है ये काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके चलते भी अभी कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदू सेंटीमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, जिसको लेकर पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई जो है वो कानून के दायरे में रहकर लगातार अंजाम में ला रही है। अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो सांबा पुलिस ने विजयपुर के तारापुर इलाके में ये पशु तस्करी का बड़ा प्रयास विफल किया, बेजुबान पशुओं को बचाया, इसी के साथ गाड़ी सीज कर ली और तस्कर दो जो है ये गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस की, जिसमें अंडर सेक्शन 223 BNS 11 PCA एक्ट के तहत ये पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मेजर सेटबैक इन तस्करों को जो है वो पुलिस ने पहुंचाई है और इसी तरह की कार्रवाई की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो यहाँ से कई गाड़ियाँ जो है वो दिन भर में गुजरती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरह से लगातार काम कर रही है तो कोशिश यही है कि कोई गाड़ी जो है वो आगे ना जाने पाए। हालांकि इसको लेकर लगाम पुलिस की तरफ से ज़रूर हमें देखने को मिल रही है। हाईवे पर नाका पॉइंट्स को अलर्ट किया गया है, बॉर्डर रूट्स पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी की इस समय की हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं डर जो है वो तस्करों के बीच में ज़रूर देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी ऐसे शरारती तत्व हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और लगातार पुलिस अपनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम में ला रही है। बड़ी अपडेट सांबा जिला से सामने आ रही है। यहाँ विजयपुर के तारापुर इलाके में विजयपुर पुलिस टीम ने तस्करी का ये बड़ा प्रयास विफल करते हुए बेजुबान पशुओं को तस्करों के चंगुल से बचाकर सेफर जगह पर पहुंचाया। तस्कर दो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी पुलिस ने सीज कर ली है। आगे इस पूरे मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हैं कि लगातार जारी है और ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक एक बार फिर से पशु तस्करों के ऊपर देखने को मिली है। उम्मीद करेंगे सांबा पुलिस इस तरह से आगे भी अपनी तमाम बड़ी कार्रवाई को अंजाम में लाएगी। फिलहाल ऋषि खजुरिया, जो कि 24/7 न्यूज़ के लिए।